जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, एक कट ऑफ का फाइनल वीडियो लेके आऊँगा, जो कि फाइनली वीडियो आ चुका है। इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, मेडिकल या हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आप इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, आपके जो डाउट्स हैं कि कट ऑफ को लेकर कितनी क्या बढ़ने वाली है, किस प्रकार से क्या होने वाला है, पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं मेल फीमेल्स पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर मैं डाटा आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जो आपका SC, OBC, जनरल कैंडिडेट, जितने भी आप लोगों के बॉर्डर और आपका नक्सल एरिया है, ठीक है, कितनी क्या कट ऑफ बढ़ने वाली है। और आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि स्टेट वाइज में कट ऑफ की जो है आपको वीडियो देने वाला हूं, जिसमें देखिए कट ऑफ तो आप लोगों की स्टेट वाइज ही बनने वाली है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कितनी क्या कट ऑफ बढ़ने वाली है, उसका ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्टेट की कट ऑफ चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट का नाम लिख के जो है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ताकि आप जिस ज़्यादा स्टेट के जो कमेंट्स है वो आएंगे, उनकी जो कट ऑफ बनाने में काफ़ी अच्छा जो है होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो कट ऑफ देने वाला हूँ आप लोगों का, और ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, मेल फीमेल और आपका OBC जनरल जितने भी आप लोगों के कैंडिडेट है, तो पूरा एनालिसिस मैंने किया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूँगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है टोटल पोस्ट, है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पर देखेंगे कितनी क्या पोस्ट है, क्योंकि ये एनालिसिस बताना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपको कट ऑफ बताया जाएगा, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि किस बेसिस पर ये कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। इसलिए एनालिसिस समझना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेल और फीमेल के लिए जहाँ वैकेंसी बटी हुई, जिसमें आपकी 50,699 जो वैकेंसी है वो जो है आपका मेल कैंडिडेट के लिए, और 9,511 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। ये बात हो गई वैकेंसी की, कितनी क्या वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए एनालिसिस कि यहाँ पर किस प्रकार से क्या चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, टोटल जो मेडिकल दिया हुआ कैंडिडेट है, ठीक, मेडिकल के बाद की जो कट ऑफ है उसी की बात करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का मेल में कितने कैंडिडेट मेडिकल दे रहे हैं, ठीक है, दिए हैं, या फिर फीमेल में कितने जो मेडिकल दी है, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जिसमें आपका 1,52,000 के लगभग आपका मेल कैंडिडेट था, और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 22,514, ठीक है। तो ये डाटा, तो ये टोटल जो ओवरऑल डाटा था वो उसमें लगभग आपका 1.75 लाख जो कैंडिडेट है इन्होंने मेडिकल जो है दिया है। तो ये डाटा आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर देखिए आगे, अब यहाँ पर बात करेंगे कि एक सीट पर कितने बच्चे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी की अगर बात करें तो एक सीट पर है, अगर यहाँ का जो आप गुना भाग अगर निकालते हैं उनको भी मैं बताऊँगा किस प्रकार से इतने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, एक सीट पर 3 बच्चे, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो मेल और फीमेल दोनों का, जिसमें आप लोगों के मेडिकल में अगर बात करूँ तो 20% बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, 20% बच्चे जो है फेल है, उसी में आपका 30% बच्चों को रीमेडिकल दिया गया है। अब रीमेडिकल देने के बाद आप लोगों को पता है कि रीमेडिकल में 100% बच्चे कभी भी पास नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को रीमेडिकल छोटे इसके लिए दिया जाता है, और कुछ को बड़े स्तर पर दे दिया जाता है, मतलब कुछ की बीमारी ऐसी होती कि सुधरती ही नहीं है, इस वजह से वहाँ पर आप लोगों को अगर बताऊँ तो 20% बच्चे ऐसे होंगे जो पास कर जाएंगे रीमेडिकल, जी हाँ 20% बच्चे पास कर जाएंगे। वहीं यहाँ पर अगर 50% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, रीमेडिकल देने के बाद, तो रीमेडिकल जब पास हो जाएंगे तो वो डाटा जो है आपका 20% से बढ़कर 70% चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो आपका 100% था, ठीक है, जहाँ पर 100% था वहाँ पर आ गया कितना, 70%, तो यहाँ पर आप कट ऑफ की थोड़ी सी कम जाने के चांसेस बन गए, ठीक है। तो ये डाटा आप लोगों के मेडिकल के बाद का, जो रीमेडिकल के बाद का जो डाटा है वो यहाँ पर आपके सामने है। अब देखेंगे कितनी क्या कट ऑफ बढ़ने वाली। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नेशनल डिस्ट्रिक्ट वाले को बता दूं कि जब मैं स्टेट वाइज कट ऑफ लेके आने वाला हूं, ठीक है, लगभग आपके 10 से 12 स्टेट्स जो आपके जहां पर कट ऑफ ज्यादा जाने की चांसेस है, ठीक है, जहां पर कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है उनका तो नहीं लेके आऊंगा, जिनकी जहां पर कट ऑफ बढ़ेगी उनका लेके आऊंगा, तो उसमें नक्सल और बॉर्डर दोनों को मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो आप अपनी ओवरऑल जो कट ऑफ है उसको यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर मैं आता हूं तो मेल कैंडिडेट की बात करते हैं कट ऑफ की सबसे पहले। अब देखिए यहां पर मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो लगभग 1,52,000 जो है उन्होंने मेडिकल दिया, जिसमें से आप लोगों की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 50,699। अगर इसका आप गुना भाग करते हैं, ठीक है, तो कोई गणित में अगर किसी को डिस्टिंक्शन प्राप्त होगी तो वो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये जो है आपका एवरेज लिया है, ठीक है, प्रॉपर जो है गुना नहीं किया है। तो यहाँ पर जो डाटा निकल के आता है 2.93, या फिर आप 3 बच्चे एक सीट पर ले चलते, तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पर OBC जनरल ST SC दो जो कट ऑफ है, चारों की कट ऑफ क्या बढ़ सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल इंडिया की बात करूँगा, देखिए आप लोगों को ये भी बता दूँ कि कुछ ऐसे स्टेट है जिनके कट ऑफ आपको 4+ देखने को मिल सकती है, कुछ की 4 से 0.5, ठीक है,
मतलब 4.5 भी यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेट है, लगभग आपके 15 स्टेट ऐसे हैं जिसमें एक भी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो जो कट ऑफ जिन स्टेट्स की बढ़ने वाली है, उन स्टेट्स की जो है मैं प्रॉपरली वीडियो दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा कि आपको उस स्टेट से तो आप है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ओवरऑल इंडिया में अगर बात करूँ तो जनरल OBC ST SC में आपका जनरल में जो है 2.5 कट ऑफ आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। OBC कैंडिडेट की अगर बात करें तो +2 होने वाला है, ठीक है। ST SC में 1.5 और 1.5 जो है ये बढ़ने वाला। अब यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर जनरल की 2.5 आप देख रहे हैं, तो ये कितनी जा सकती है, ये जा सकती है +5, ठीक है। यहाँ पर जब आप OBC की आप देख रहे हो तो ये जा सकती है +4, ठीक है। अब यहाँ पर आप ST SC की देख रहे हो तो +3 या फिर +4। ये डाटा आप लोगों का कुछ स्टेट्स का रहने वाला है, तो चैनल से बने रहिएगा। आप लोगों को मैं डेली की वीडियो आप लोगों को अब देने वाला हूँ जो कि कट ऑफ से संबंधित रहने वाली है। ये बात हो गई है मेल कैंडिडेट की। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है एक मैं आप लोगों के लिए जैसे ही स्टेट वाइज वीडियो लाऊंगा तो उसमें आप लोगों का भी जो है वहाँ पर जिक्र करूंगा कि कितनी क्या फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रहने वाली है। अब देखिए, फीमेल कैंडिडेट के ये डाटा जो है आपका लगभग 22,000 ने जो है फिजिकल दिया और यहाँ पर 9,511 जो है वैकेंसी है, तो ये डाटा थोड़ा कम जाता है क्योंकि 2.5 ही जो है एक सीट पर यहाँ पर फीमेल्स आती है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल्स का ओवर ऑल इंडिया की अगर बात करूँ तो +2 +1.5 और ST ST में कोई भी जो है आप लोगों का नहीं बढ़ने वाला है। अगर आप ST ST कैंडिडेट की जो फीमेल्स है तो वहाँ पर आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आप लोगों का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो ये एनालिसिस आप लोगों का मैंने जो दिया है वो मेडिकल की रिपोर्ट्स, कितने क्या पास हुई है, कितने क्या अब्सेंट्स है, कितने क्या रीमेडिकल मिला है उसके अकॉर्डिंग, और टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसीज या फिर आपका जो है फिजिकल पास कैंडिडेट्स या फिर आप लोगों का जितना मेडिकल चला है, जितने लोगों ने मेडिकल दिया है उनका एनालिसिस के बाद जो है ये कट ऑफ है, ठीक है। क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ में देने वाला हूँ, तो चैनल से बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।